हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। एमबीबीएस बीडीएस की सीट न मिलने पर काफ़ी स्टूडेंट का सपना बीएचयू से बीएमएस करने का होता है। बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होने के कारण जैसे इसकी एमबीबीएस में डिमांड रहती है, वहीं बीएमएस कोर्स के लिए भी इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये 3 रैंकिंग की कॉलेज है। काफ़ी स्टूडेंट मेरे को बीएचयू में बीएमएस एडमिशन पर एक वीडियो बनाने के लिए कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड पर ये सोचकर मैंने वीडियो बनाया है कि ये काफ़ी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें एडमिशन कैसे लें, सीट्स कितने हैं, 2019 में क्या कट ऑफ रही थी, 2020 में क्या कट ऑफ रह सकती है, ट्यूशन फीस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएचयू द्वारा करवाए जाने वाले कौन कौन से कोर्सेज हैं और इनमें सीटें कितनी हैं। तो बीएचयू द्वारा आयुर्वेद के 3 प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं। बीएमएस कोर्स में टोटल 50 सीट से 5 साल का ड्यूरेशन है इसका कोर्स का। BNYS में टोटल 30 सीट्स हैं, 4.5 साल का कोर्स का ड्यूरेशन है, 1 साल की इंटर्नशिप है। इसके बाद में बी फार्मा आयुर्वेदा कोर्स है, 30 सीट्स हैं, इसमें 4 साल का कोर्स है। इसमें मैं आपको यहाँ बता दूं कि BMS में एडमिशन नीट स्कोर पर होता है, और जो बी फार्मा आयुर्वेदा के लिए BHU द्वारा अलग से इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जो BSc नर्सिंग BPT और BOT के साथ इंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। BSc नर्सिंग, बी फार्मा आयुर्वेदा, BPT, BOT के इंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म BHU द्वारा मई में रिलीज किए जाने की संभावना है। अब BHU के BMS कोर्स के लिए एडमिशन कैसे लें, तो BHU में BMS कोर्स के लिए एडमिशन नीट स्कोर पर होता है। यह एडमिशन AAACC यानी आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा काउंसलिंग करवाकर दिया जाता है। 2019 में ये पहली बार सेंट्रल काउंसलिंग स्टार्ट की गई थी। इससे पहले BHU द्वारा खुद के द्वारा काउंसलिंग करवाकर BHU में BMS कोर्स के लिए एडमिशन दिया जाता था। इसमें नीट रिजल्ट से पहले आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद जब MCC के MBBS BDS के दोनों राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद AAACC द्वारा काउंसलिंग स्टार्ट की जाती है। तो जैसे ही AAACC के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में मेरिट बेस पर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड की काउंसलिंग करवाकर BHU में BMS कोर्स के लिए एडमिशन दिया जाएगा। मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के बाद वैकेंट सीट BHU को ट्रांसफर कर दी जाएंगी, और BHU द्वारा एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाकर इन मॉपअप राउंड के बाद की जो वैकेंट सीट है इन पर एडमिशन दिया जाएगा। अब इसकी 2019 की लास्ट राउंड की कट ऑफ क्या रही थी ये देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी की 553, OBC की 549, SC की 398 और ST कैटेगरी की 372 कट ऑफ रही थी 2019 में लास्ट राउंड की। अब इसकी एक बार हम ट्यूशन फीस की बात करें, तो इसमें 29,874 रुपीज सालाना फीस है इसकी, यानी कि पर ईयर फीस इसकी 29,874 रुपए है। अब 2020 में क्या कट ऑफ रह सकती है, तो जनरल कैटेगरी की 520, OBC की 515, SC कैटेगरी की 370 और ST कैटेगरी की 340 कट ऑफ रह सकती है 2020 में। तो दोस्तों, ये जानकारी थी BHU में BMS एडमिशन के बारे में। बाकी जानकारी आपको काउंसलिंग के टाइम में दे देंगे कि आपने कैसे एडमिशन लेना है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।